नमस्कार। इस वक्त की हम 10 बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं। पहली बड़ी खबर है अमृतसर से। दशहरे के मौके पर पंजाब के अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे लोगों पर ट्रेन दौड़ जाने से दर्दनाक हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस मामले में अब ट्रेन के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और उसे पूछताछ की गई है। हादसे में रेलवे ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्हें आयोजन की सूचना नहीं थी और उनकी गलती नहीं है। जोड़ा फाटक क्षेत्र के लाइनमैन से भी रेलवे पुलिस पूछताछ कर रही है। दूसरी बड़ी खबर है, शुक्रवार को अमृतसर के जोड़ा फाटक इलाके में बड़ा रेल हादसा हुआ। रावण दहन देखने आए कई लोगों के लिए ये आखिरी दशहरा साबित हुई। इस दर्दनाक हादसे के लिए रेल और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मामले को जायजा लेने अमृतसर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने का वक्त नहीं है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि कौन जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा बनने से रोक दिया और उसके बाद केवल वे भारतीय बिटकॉइन की खरीद बिक्री कर पा रहे थे जिनके पास विदेशी बैंकों में खाता है या जिनके रिश्तेदार विदेशों में रह रहे हैं। लेकिन अब देश में बिटकॉइन का ATM खुल गया है जिसकी मदद से कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनियन ने बंगलोर के एक मॉल में बिटकॉइन का पहला ATM लगाया है। चौथी बड़ी खबर है, विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल हांगकांग जुकाई मकाओ को 24 अक्टूबर को सड़क यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक पर्ल रिवर एस्टुअरी के लिंगडियांग जल क्षेत्र में बना 55 किलोमीटर लंबा यह पुल विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल है। कई अरब डॉलर की इस परियोजना पर दिसंबर 2009 में काम शुरू हुआ था। इससे हांगकांग से जुहाई की यात्रा का समय 3 घंटे से घटकर महज आधा घंटा रह जाएगा। इसके अलावा यह पर नदी के मुहाने पर स्थित अन्य शहरों को भी जोड़ा जाएगा। हांगकांग जुकाई मकाओ पुल से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि पुल को सड़क यातायात के लिए 24 अक्टूबर को खोला जाएगा। पांचवी बड़ी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान कानून पेमेंट एंड रेगुलेशन रूल्स में बदलाव के बारे में सरकार की एक समिति के कुछ सिफारिशों के खिलाफ कड़े शब्दों वाला अपना असहमति नोट सार्वजनिक किया है। RBI का यह कदम इसे नियमों के खिलाफ माना जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भुगतान प्रणाली का नियमन केंद्रीय बैंक के पास ही रहना चाहिए। सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में भुगतान और निपटान प्रणाली कानून 2007 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की थी। छठी बड़ी खबर है, राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हो रही लगातार बयानबाजी को लेकर शिवसेना ने उन पर भी हमला बोला है। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा है कि ओवैसी को हैदराबाद तक सीमित रहना चाहिए। राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, ना कि हैदराबाद, पाकिस्तान या ईरान में। ओवैसी जैसे लोग अपनी राजनीति से मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी राजनीति से भविष्य में भारी नुकसान होगा। सातवीं बड़ी खबर है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 21 अक्टूबर यानी रविवार को खेले जाने वाले पहले वनडे के लिए BCCI ने 12 खिलाड़ियों के नाम घोषणा कर दी है। पहला वनडे मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। BCCI ने मैच से एक दिन पहले ही 12 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने यह जानकारी एक ट्वीट कर दी है। कैरिबियाई टीम के खिलाफ होने वाले पहले मैच के लिए जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है उनके नाम हैं विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अंबाती रायडू, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और खलील अहमद। आठवीं बड़ी खबर है, बीते दिनों गुजरात में एक मासूम लड़की से दुष्कर्म का आरोपित अनिल यादव बिहार के बक्सर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बक्सर के इटाड़ी प्रखंड के लोधास गांव में शुक्रवार की रात गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से उसे दबोच लिया।
बक्सर डीएसपी सतीश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गौरतलब है कि गुजरात में बीते 13 अक्टूबर को 3.5 साल की एक मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना में अनिल यादव का नाम सामने आया था। घटना के बाद गुजरात में उत्तर भारतीयों खासकर बिहारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश उमड़ पड़ा था। इस दौरान हजारों उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित कर उन्हें गुजरात छोड़ने को मजबूर किया गया था। नौवीं बड़ी खबर है, मशहूर संगीतकार अनु मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। श्वेता पंडित और सोना महापात्रा द्वारा अनु मलिक पर लगाया गया यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अब दो और महिलाओं इस मामले पर खुलासा किए हैं। बातचीत के दौरान इन दोनों महिलाओं ने अपनी दहला देने वाली कहानी बताई है। 90 के दशक में स्ट्रगलिंग सिंगर रही पहली महिला ने बताया है कि अनु मलिक ने उन्हें गलत ढंग से छुआ था। महिला ने बताया कि अनु मलिक सन 1990 में महबूब स्टूडियो में एक गाने की शूटिंग के दौरान महिला की उनसे मुलाकात हुई तो अनु मलिक ने महिला के शरीर पर गलत ढंग से छुआ। उसके बाद महिला ने आपत्ति जताई तो उन्होंने हंसते हुए सॉरी बोल दिया। इसके बाद एक बार मलिक ने महिला को मुलाकात के लिए अपने घर बुलाया और इस बार वह घर पर अकेले थे। बेगूसराय से लोकसभा सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता भोला सिंह का निधन हो गया। वे 82 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्य भोला सिंह के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि बेगूसराय से लोकसभा सदस्य श्री भोला सिंह का निधन से दुखी हूं। उन्हें समाज की उत्कृष्ट सेवा और बिहार के विकास की दिशा में प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं सिंह के परिवार और समर्थकों के साथ है। 82 वर्षीय सांसद ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आखिरी सांसें ली। उन्हें 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था।